नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक महत्वपूर्ण और दो नगण्य लोगों के बारे में आप सभी लोगों से बात करने वाली हूं। आप सबसे निवेदन की वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से तीनों व्यक्तियों के बारे में मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन कि कर लीजिए। महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूं वो है मिस्टर अर्णव गोस्वामी, आप सबके प्यारे पत्रकार मिस्टर अर्णव गोस्वामी। और नगण्य लोग जो हैं उनमें से एक हैं सिद्धार्थ पिठानी और दूसरी हैं तैमूर की अम्मी करीना कपूर खान। अब ये जो तीनों लोग हैं इनके जीवन में जनता जनार्दन का क्या महत्व है और किस प्रकार से जनता किसका कितना सम्मान करती है और किसको वापसी का रास्ता दिखा रही है वो मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूं। और ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि ये एक मिथ जो जनता के मन में है कि आपकी आवाज नहीं सुनती है सरकार या आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है, ये गलत है। आपकी आवाज में बहुत ताकत है। जब ये पांचों उंगलियां बंद होकर के मुट्ठी बन जाती हैं, ताकत इकट्ठी हो जाती है तो उसकी आवाज पहुंचती भी है और सुनी भी जाती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात की जाए, मिस्टर अर्णव गोस्वामी के। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट कई दिनों से, एक महीने से भी ऊपर का समय हो चुका जब से मिस्टर अर्णव गोस्वामी अपने दोनों चैनल्स हिंदी इंग्लिश और बांग्ला तीनों चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई डिबेट नहीं कर रहे थे। और हिंदुस्तान की जो जनता है, मिस्टर गोस्वामी के जो व्यूवर्स हैं भारतवर्ष के अंदर बाहर, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे उनके स्वास्थ्य के बारे में, वो क्यों नहीं आ रहे हैं और लगातार प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत चिंता जताई आप सब लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत प्रश्न पूछे, बहुत सारी क्वेरीज से मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनको फ्लड कर दिया। मैसेंजर में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, ट्विटर हैंडल पर आप लोगों ने जो टैग किया वो तो अलग, डीएम के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस आए, यूट्यूब में बहुत सारे मैसेजेस आते थे मेरे चैनल के, मेरे वीडियोस के नीचे, देन इंस्टा पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे भेजे जाते थे जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं वो, मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे बहुत चीज़ें पूछी जाती थी। बहुत बार पूछा जाता था कि कहाँ है मिस्टर गोस्वामी, कैसे हैं मिस्टर गोस्वामी। और कुछ कुछ लोग, आप लोग नाराज़ भी हो जाते थे, आप लोगों को लगता था कि मैं इनकम्युनिकेटो हो गई हूँ मिस्टर गोस्वामी के मामले में और मैंने कुछ ट्वीट नहीं किया। अगर आप लोगों को ऐसा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ, किंतु ऐसा नहीं था कि कोई भी जानकारी आप लोगों से छुपाने का मेरा कोई मंशाहत थी। जब मैंने सुशांत के बारे में लाइव करने शुरू करे तो हर लाइव सेशन पर जब मैं जाती थी तो सबसे पहला प्रश्न मुझे मिस्टर गोस्वामी के बारे में पूछा जाता था और मैं यही जवाब देती थी कि ही इज परफेक्टली फाइन एंड ही विल बी बैक सून। सो आज 4 बजे रिपब्लिक ने जब अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये जानकारी आपको, मुझको, हम सबको दी कि मिस्टर गोस्वामी विल बी बैक, और वो 21 जून को 9 बजे अपने चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में वापसी कर रहे हैं अपनी उसी आवाज़, उसी अंदाज, उसी तरीके से, उसी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से एक ब्रेक के बाद अपने कार्यक्रम का आगाज़ दोबारा से करेंगे। तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस प्रकार से अर्णव इज़ बैक ट्रेंड हुआ हैशटैग, वो दर्शाता और दिखाता है कि कितना सम्मान, कितना प्रेम मिस्टर गोस्वामी ने आप सब लोगों के बीच से, आप लोगों के दिलों से अर्जित किया है। यानी कि ये बात साफ है कि जब जनता आपको प्यार करने लग जाए, जब जनता आपकी चिंता करने लग जाए, तो मान लीजिए कि आपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ अपना हर वो काम और हर जिम्मेदारी निभाई है जो आपको एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल व्यक्ति के तौर पर इस देश के अंदर निभानी चाहिए। और जनता उसी व्यक्ति का सम्मान करती है, उसी को अपना प्यार और देती है जो इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं। और मिस्टर अर्णव गोस्वामी ने वो सम्मान आप सब लोगों से अर्जित किया है और जनता ने असीम प्रेम उनके प्रति हमेशा से दिखाया है। तो ये पहला उदाहरण हो गया आप लोगों के प्रेम का, और ये मिस्टर गोस्वामी के बारे में भी बात हो गई और बहुत समय से ये बात आप लोग सुनना चाहते थे, ये भी मैं जानती हूँ। तो ये बात मिस्टर गोस्वामी के बारे में हुई है। दूसरा जो नगण्य व्यक्ति के बारे में बात आरंभ करनी है, तो पहले जो नगण्य व्यक्ति हैं वो है सिद्धार्थ पिठानी। जब से सिद्धार्थ पिठानी की बेल की बात चली और उसको बेल मिली, आप लोग बड़े नाराज़ हैं, आप लोगों में बहुत रोष है, आप लोगों ने मुझसे भी ये प्रश्न लगातार पूछा कि ममता मैम क्यों उसको बेल दे दी,
कोर्ट ने, तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देती हूँ, आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अर्जी लगाई थी कि जस साहब मेरी शादी हो रही है, मुझे शादी करने दो, मुझे दूल्हा राजा बनने का बड़ा शौक चढ़ रहा है, मुझे सहरा पहनने का बड़ा शौक चढ़ रहा है, प्लीज़ मुझे भेज दो, मेरी जो होने वाली बीवी है वो मेरा इंतजार कर रही है, तो मेरी 26 जून को शादी है, मुझे शादी करने के लिए भेज दो। तो NDPS कोर्ट ने उनकी इस दलील को, उनकी इस बेचारी सी शक्ल बना करके जो उन्होंने अपील करी है, वो सिद्धार्थ पिठानी से ज़्यादा मुझे लगता है उनकी जो होने वाली पत्नी है उन पर मानवता के आधार पर दया करके उनको 10 दिन के पैरोल की के दे दिया है, 10 दिन तक वो उनको छूट दे दी है, यानी कि वो शादी करके 2 जुलाई को फिर से पुलिस की हवालात में वापस आ जाएंगे, पुलिस के पास वापस आ जाएंगे, सरेंडर उनको 2 जून को करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लंबा चौड़ा या उनको अब परमानेंट बेल मिल गई, ऐसा नहीं है, सिर्फ शादी के नाम पर जो वो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, वो बेल उनको मिली है, तो ठीक है 10 दिन के लिए आप भी माफ़ कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तीसरा जो जनता के पावर का, शक्ति का परिचय मैं देने वाली हूँ वो है करीना कपूर खान के बारे में, यानी कि तैमूर की अम्मी के बारे में। आप लोग जब इकट्ठे होते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ दूर तक जाती है, सुनी भी जाती है और उस पर एक्शन भी होता है, सरकार सुनती है। आज की जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, वो जनता की चिंता करती है, जनता जब भी किसी विषय को उठाती है, ट्रस्ट मी, वो सुनते हैं। ये हमने देखा कि जब आयुष मिनिस्ट्री ने 21 जून जो हमारा योग दिवस है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया करीना कपूर खान को, वो करीना कपूर खान जिसको इस देश में कोई पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं कि किसी की उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, पर जिस प्रकार के उनके कृत्य रहे हैं, जिस प्रकार के उनके और उनके हस्बैंड के कमेंट्स आए हैं तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर, इस देश के बारे में, इस देश की संस्कृति के बारे में, इसकी इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, उससे बहुत खासा रोष जनता के बीच में है। जिन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख लिया, आप सोच लीजिए उनको इस देश के इतिहास से, इस देश के गौरव से, इस देश के किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देश के अंदर दोहन कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पैसे मिल रहे हैं एक्टर बनने के, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो जनता बहुत गुस्सा हो गई कि यही मिली थी आपको, इनको ही आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना था, और क्यों आपको इनको बनाना था भाई, ये लोग हैं क्या, ये करते क्या है ऐसा इस देश के लिए, ये इंटरटेनर्स हैं, इनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, इनको पैसा मोटा मिलता है, इसलिए एक रोल अदा करते हैं, और इन लोगों को जनता फॉलो करती है, इसलिए इनका इतना नाम रहता है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सो कॉल्ड इंटरटेनर्स हैं, सरकार को इनको इतनी महत्व देना चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है। और तैमूर की अम्मी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत आवाज़ निकली, जो जब आयुष मिनिस्ट्री तक गई तो अब उनको छुट्टी, उनकी इस ब्रांड एम्बेसडर वाली जो उनको बढ़िया सी एक सम्मान दिया गया था उससे कर दी गई है। मैंने भी इस बारे में ट्वीट किया था, मुझे इनिशियली इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन किसी ने स्नैपशॉट मुझे भेजा था करीना कपूर खान वाला ये वाला, और उसके बाद मैंने भी ट्वीट किया, क्योंकि जब मैंने जैसे ही मुझे ये मिला, मैं आयुष मिनिस्ट्री की के ट्विटर हैंडल पर गई, वेबसाइट पर गई, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने भी एक ट्वीट किया था, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूं। मैंने लिखा था, कैनॉट फाइंड दिस ट्वीट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेबसाइट, बट इफ दिस वॉज करेक्ट इन्फो देन इट इज अनबिलीवेबल। डू आर मिनिस्ट्रीज रियली नीड इंडोर्समेंट फ्रॉम दीज पीपल ? प्लीज फाइंड रियल हीरोज, नॉट रियल। सीम्स आर ब्यूरोक्रेसी कांट गेट ओवर दीज एक्टर्स हु बाय फेक फॉलोवर्स। सीसी जो हमारे वहां के मंत्री महोदय हैं, उनको भी मैंने किया था। ऐसे तमाम लोगों ने बहुत सारे ट्वीट किए, तमाम लोगों ने वीडियो बना करके डाले, तमाम लोगों ने इस पर अपना रोष व्यक्त किया, और उसके बाद फाइनली मिनिस्ट्री ने के तक जब ये बात पहुंची तो उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये है आप लोगों की शक्ति, ये है आप लोगों की एकता का परिचय, ये है आप लोगों का विवेक। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि जनता हमेशा सच का साथ देती है, गलत को बर्दाश्त नहीं करती है। जनता बहुत जागरूक अब हिंदुस्तान की इस दौर में हो चुकी है। जनता हर उस विषय को उठाती है जो देश के पक्ष में है, जनता के पक्ष में है, देश के हित में है। जनता उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो देश के लिए कहीं पर कुछ गलत बोलते हैं, जनता की खिलाफत करते हैं, और जनता उन लोगों को सर माथे पर बिठाती है जो देश के लिए सब कुछ करते हैं। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जनता से ऊपर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। जो लोग जनता को अपने पैर की जूती, पैर की ठोकर समझते हैं, उन लोगों को जनता की अदालत में एक बहुत ही दुखदायी, कष्टकारी वर्डिक्ट का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जनता की अदालत में जब आओगे तो जनता सच का सच और झूठ का झूठ दिखाएगी, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।